हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रीमा रॉय। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस कलरफुल आई मेकअप को, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड बहुत ही गॉर्जियस आई मेकअप है। इस कलरफुल आई मेकअप को आप लोग किसी भी वेडिंग फंक्शन, हल्दी या रिंग सेरेमनी पे लहंगा के साथ इसको क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही इजी तरीके से मैंने इस लुक को आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आप बिगिनर हो तो भी आप लोग इस लुक को क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मैंने एक डार्क पर्पल शेड को लेकर मेरी दोनों आईज़ की आउटर कॉर्नर पे डैब डैब करके अप्लाई कर लूँगी। एंड इसके बाद एक लाइट पिंक शेड को लेकर मैंने क्रीज के ऊपर अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। मैं दोनों आईज़ पे इस लाइट पिंक शेड को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी, जैसे कोई भी हार्श लाइन मुझे ना दिखे। एंड इसके बाद मैंने रेड कलर को आई लिड की मिडिल पोजीशन में अप्लाई कर लूँगी। एंड रेड और पर्पल कलर को मैंने थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करूँगी, जैसे किसी भी हार्श लाइन ना दिखे। एंड उसके बाद एक येलो कलर को मैं इनर कॉर्नर पे अच्छी तरीके से अप्लाई करूँगी एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से। यू कैन बी एक्जॉटिक आई शेडो पैलेट से मैंने इस आई लुक को क्रिएट किया हुआ है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आई शेडो पैलेट है गाइज, उसमें आपको बहुत सारी शेड मिल जाएगा। इस आई शेडो पैलेट का रिव्यू मैंने पहले भी आपके साथ शेयर करी थी, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। बाय द वे गाइस, मैं यहाँ पे कोई भी आईलाइनर यूज़ नहीं किया है। मैं यहाँ पे NYB का काजल को आईलाइनर की तरह अप्लाई करके अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। एंड उसके बाद मैंने ब्लू हेवन की मस्कारा अप्लाई कर लिया है। एंड आपके पास कोई भी फॉल्स आईलैश हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। फॉल्स आईलैश लगाने के बाद आईज़ पे एक अलग सा लुक आ जाता है, एंड मुझे तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये था मेरा आज का आई लुक गाइस, आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। एंड अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को एक लाइक। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।